पार्षद बैठे नगर निगम के बाहर धरने पर मास्टर प्लान का कर रहे हैं विरोध। अजमेर नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने आज नगर निगम के बाहर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्थानीय निकायों में अधिकारों में अतिक्रमण कर रही है। भाजपा पार्षदों की माने तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अजमेर नगर निगम सहित अन्य नगर निगम के अधिकारियों को प्राप्त करने का काम किया है। साथ में जो मास्टर प्लान अजमेर के लिए टाउन प्लानर द्वारा तैयार किया गया उसको लेकर भी संशोधन का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। भाजपा पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने स्थानीय निकायों को कमजोर करने की अपनी नीतियों को नहीं बदला तो आने वाले समय में प्रदेश भर में एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हमारे जो स्वायत्त शासन विभाग है, पिछले एक साल से जब से सरकार आई है वो लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोटने का प्रयास करता रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार आने के बाद कई कानून में फेरबदल किया गया, चाहे वो चुनाव हो, नगरपालिका निगमों के चुनाव हो, चाहे वहाँ का जो परिसीमन हो, इन सब मामलों के अंदर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वहाँ की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उनका गला घोटा गया। इस बार एक आदेश नया जारी किया, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद निगम यूआईटी एडीए जिनको चेंज ऑफ लैंड यूज का अधिकार मिला हुआ था, समिति बनी हुई थी जिसमें जिलाधीश से लेकर के महापौर और विभिन्न विभागों के एईएन जेईएन जो कि उस क्षेत्र में, क्योंकि मास्टर प्लान में वहाँ की लैंड अगर कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, उसके आधार पर उसका लैंड यूज चेंज करते थे जिससे कि उस क्षेत्र में विकास के काम हो पाए। कॉमर्शियल कन्वर्ट अगर कोई बिल्डिंग सेंक्शन होनी है तो उसका नक्शा स्वीकृत हो पाए, लेकिन सरकार ने इस सर्कुलर के द्वारा इस अधिकार को निकायों से छीन लिया है और उस अधिकार को अपने तक सीमित कर लिया है। वहाँ की स्थानीय समस्याओं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके वो चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर जयपुर में बैठ करके ये चेंज ऑफ लैंड यूज होगा। इन्होंने एक नई कड़ी शुरू कर दी, एक नई परंपरा शुरू कर दी जो कि एक तानाशाही परंपरा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है और लोकतांत्रिक जो स्वायत्त शासित संस्था है उनके अधिकार को भी हनन किया है। नगर विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो 21/11/2019 को आदेश पारित किया है उस आदेश के विरोध में हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। उस आदेश में फरमान जारी किया गया है राज्य सरकार द्वारा कि किसी भी जयपुर, जोधपुर और अजमेर इनकी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद इनके आदेशों को सीज कर दिया गया है, इनकी शक्तियों को ख़त्म कर दिया गया है और इसके अंदर जो मास्टर प्लान है जो कि 2003 में अजमेर में लागू हुआ था, जिसके अंदर दर्शाया गया था कि अजमेर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से विकास कैसे होगा, कहाँ पे कॉमर्शियल बनेगा, कहाँ पे रेजिडेंशियल बनेगा, कहाँ पे ओसीएफ होगा, लेकिन इन सब को इन्होंने ख़त्म करके एक भ्रष्टाचार की चैन चालू कर दी है। यदि किसी को कोई भी नक्शा पास कराना है तो उसके लिए उनको पहले नगर निगम की एक एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, वो एजेंसी प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजेगी और राज्य सरकार मंत्री को भेजेगी। यानी एक भ्रष्टाचार की कड़ी चालू की है जो कि जिसका कि हम विरोध करते हैं। हम नगर निगम की शक्तियों को ख़त्म नहीं करने देंगे क्योंकि आज तक नगर निगम ही सारे नक्शे पास करती आई है और जनता को हमेशा उन्होंने रिलीफ दिया है। आज जनता दर दर भटकेगी और भ्रष्टाचार का उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों विधायक इसको सदन में, विधानसभा में उठाएं और इस मुद्दे को राज्य सरकार को वापस लेने के लिए प्रेरित करें। यदि फिर भी सरकार इसे नहीं करती है तो हम सरकार के यूडीएच मिनिस्टर का पुतला जलाएंगे। जेके शर्मा।